कहाँ से लेते हो? वाला से लेते हो? अच्छा, बोला नहीं जाता, वीडियो ऑन है, बोल। ये देखें भाई, पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं। 16 जून 2022 234 हो गया। ज़्यादा लंबी नहीं करो, सीधी सीधी बात। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुर्रम ज़ाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम ज़ाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग चाय की सीरीज़ कवर करने वाले हैं और मुख्तलिफ़ चाय के होटल्स पे जाएंगे, तो हम आए हुए हैं क्वेटा बिस्मिल्ला काकड़ होटल पर। इसकी लोकेशन जो है वो है गुलशन चौरंगी से जब आप फारे मोबाइल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जब लेफ़्ट एक रोड जाता है गुलशन ब्लॉक 2 कहलाता है, तो वहाँ पर है इम्तियाज़ से थोड़ा सा पहले और इम्तियाज़ की पार्किंग के पास। और यहाँ पर जो है इसकी चाय ट्राई करते हैं कैसी चाय है और आप लोगों को इसका रिव्यू शेयर करेंगे कि यहाँ की चाय कैसी है। और आज जो है हमारे साथ अभी सिर्फ असद भाई मौजूद हैं। तो असद भाई कहाँ आए हैं भाई जान? हम आए हुए हैं क्वेटा बिस्मिल्ला काकड़ होटल। ये है इम्तियाज़ की तरफ और आज जो है हम आपको बताएँगे कि यहाँ की चाय कितनी अच्छी है। और मैं और खुर्रम भाई अभी साथ हैं और जट साहब जो है हमारे वो आज आए नहीं हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ माहौल बड़ा अच्छा है, खुली हवा है और माशाल्लाह मौसम आप देखें, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। असद भाई जो है ना कैमरे से थोड़ा सा शाय है। अब जब मैंने कोई सीन्स बनाए, मतलब यानी कि इनको पता है कि कैमरा ऑन है और इनके ऊपर ही है, तो ये जो बेचारे परेशान होगा। आपने इनकी पिछली वीडियोस देखी होंगी, फर्स्ट व्लॉग जो आया था हमारा उसके अंदर असद भाई के आपने जो जौहर थे वो देखे ही होंगे। अच्छा, दूसरी वीडियो उसके अंदर जो है असद भाई ने तो कमाल कर दिया, शेयर मांगने शुरू कर दिए। तो लेकिन ये है कि अब असद भाई के ऊपर जब कैमरा है तो असद भाई तो बिल्कुल घबरा गए। मतलब ये कह रहे हैं कि मुझसे जो है ना नेचुरल चीज़ें करो, मुझे छुपा के बनाओ। अच्छा, इसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने जो है वो माइक लगाया क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वॉइस क्वालिटी का, तो वॉइस अच्छी नहीं आ रही थी। तो हमने जो है आपको कंटेंट तो अच्छा देना है, लेकिन अब क्या करें कि अब कंटेंट अच्छा देना है, वॉइस क्वालिटी पे काम करें, कंटेंट पे काम करें, तो यहाँ बड़ा भंडा आ गया। मतलब असद भाई जो है वो बोल ही नहीं पा रहे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ असद भाई को बुलवाने की। एक बंदा आ गया हमारे पास, उसकी शक्ल हम आपको नहीं दिखाएंगे, वीडियो वो बनाएगा, बंदा है शायद आप लोग उसको जानते हो, वो वीडियो में आएगा नहीं, लेकिन वो असद भाई की नेचुरल चीज़ें जो है ना वो हम आपको दिखाने की उसकी मदद से कोशिश करें कि मेकिंग आपको दिखाते हैं और फिर जो है जब चाय हमारे पास आ जाएगी तो आपको उसको टेस्ट करके भी बताएंगे। तो चलें पहले होटल चलते हैं और आपको जो है उस होटल पे चाय की मेकिंग दिखाते हैं। तो चाय देखें किस तरीके से बन रही है, कितनी ज़बरदस्त चाय बनी है। और ये देखें भाई किस तरीके से चाय बना रहे हैं। साथ साथ रेट लिस्ट भी चेक करा देता हूँ कि देखें कितने कितने रुपये की जो है ना वो चाय हो गई है। और हमने यहाँ पर पिया कट, तो कट की कीमत जो है वो 40 रुपये हो गई, आप ये देख सकते हैं। ओए होए होए हो, चक्के तो चेक करो तो। कितने टाइम से बना रहे हो चाय? जोर से बोलो। दूध कहाँ से लेते हो? दूध वाला से लेते हो? अच्छा, दूध वाला से लेते हो, सही बात की यार, ज़बरदस्त। चाय जो है अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब जो है, हाँ भाई चाय रेडी है। भाई हमारे दो कटे हैं, दो तीन है, दो 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 कटे, दो कट तैयार है। कट कौन से होते हैं? हाँ हमारे दो कटे हैं, बनाओ दो कट। अच्छा ये देख लें भाई, महंगाई है, 40 रुपये का कट है और हम कट प्रेफर करेंगे आज यहाँ पर। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया, पी के बताते हैं आपको कैसी बनी है। लाओ। ओए होए होए, असद भाई चाय ले आओ। ये आ गई मेरी चाय और ये आ गई असद भाई की। क्या मामला है भाई, मतलब आज पेट्रोल के प्राइस वगैरह बढ़ गए हैं, क्या क्या कहना है आपका? मतलब यार अजीब, मतलब मामला तो गए, महंगाई होती पे होती चली जा रही है, आम इंसान की पहुंच से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूर होती जा रही हैं। मतलब इसके बारे में कोई तबसरा करेंगे आप? हाँ हाँ बोलो, मैंने पकड़ा हुआ। देखिए खुर्रम भाई, मसला सारा ये है कि आप पेट्रोल बढ़ाओ, सब चीज़ें करो, मगर आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी दो। यहाँ लोगों के पास जो है, लोगों की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो वो है $100। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का पर कैपिटा इनकम होती है जो एक बंदा आम आमदनी कमाता है, मतलब उसकी जो सैलरी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ असद भाई, मतलब लोगों को पता होना चाहिए, हर किसी को पता नहीं, आम आदमी जो कमाता है, क्या जो जिसको नहीं पता है वो गूगल कर सकता है पर कैपिटा इनकम क्या होती है। भाई नहीं कर रहे ना लोग गूगल, हर कोई गूगल थोड़ी है।
तो गूगल आपके पास है ना, जब आप पूरा दिन आपके पास मोबाइल होता है तो आप सर्च करो ये चीजें बस। अच्छा ज्यादा लंबी नहीं करो, सीधी सीधी बात करो भाई, क्या मसला है पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। एक मिनट, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, इससे होगा क्या? इससे होगा, इससे तबाही होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोगों के पास जो है इनकम है नहीं। अब एक नॉर्मल बंदे की तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये है, ठीक है, अब आपके सामने 234 रुपये का पेट्रोल हो गया है। 234 रुपये का मतलब है कि एक बंदा, नॉर्मल बंदा जो जिसका पेट्रोल 3,000 रुपये लगता था महीने का, 4,000 रुपये लगता था, आज वो डबल हो गया है। मतलब अगर वो एक बंदा कुछ नहीं करे, वो बाहर दूध दही भी लेने जाता है या कुछ अपना काम करने भी जाता है या डॉक्टर के पास भी जाता है, कुछ भी करने जाता है, बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जाता है, उसके लिए उसको पेट्रोल चाहिए। ठीक है भाई, दूध दही की कहाँ से बात आ गई, बात ये हो रही है, एक मिनट यार, अब आपने कर ली ना, अब मेरी बारी भाई। पेट्रोल बढ़ेगा ना तो जाहिर सी बात है हर चीज़ पर असर पड़ेगा। दूध दही की जो बात करें, दूध दही लेने जाता है, मतलब यार अजीब कोई इलॉजिकल बात आप ये बोलो कि भाई ईद हर 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 चीज़ के ऊपर पेट्रोल का इफेक्ट आएगा, ऐसा ही है। जैसे कि अभी आप बताओ दूध 170 रुपए लीटर हो गया, आप मेरी, मैं आपको तो कह रहा हूँ बात सारी है, मैं आपको पेट्रोल की बात बता रहा हूँ ना, बात सारी है कि पेट्रोल का इम्पैक्ट जो है, ठीक है, अब आप छोड़ दो सारी चीज़ें, पेट्रोल का अगर बेसिक इम्पैक्ट की बताएं, मैं आपको कंजम्पशन बता रहा हूँ, चाहे तो ले लो, जो प्राइस 4,000 रुपए की, आई एम हैविंग इंग्लिश नहीं उर्दू में बात करो भाई, ये फ्री हो जाओ तुम यार। अच्छा चलो ठीक है, चलो बोलो यार, सॉरी आगे तो एक्सेप्ट कर लो। असल में हम करना आए थे चाय का रिव्यू, इन यहाँ पेट्रोल बढ़ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब अभी हम गए चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है, पेट्रोल की बातें कर रहे थे हम, मगर चाय की हम तारीफ करते हैं, चाय अच्छी है, हम लोग गए थे हम आए थे यहाँ चाय पीने, रास्ते में हमें पेट्रोल पंप मिला, मैं आपको सीन्स दिखाता हूँ, ज़रा चेक करें कि पेट्रोल की कीमत जो है ना वो कितनी बढ़ गई है, डीजल की कीमत कितनी बढ़ गई है, और आप इसको किस्मत कहें या कुछ भी कहें, हम गए वहाँ पर तो हमें ये सीन्स मिल गए, ज़रा सीन्स चेक करें। तो ये देखें भाई, पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं, और कितने हो गए, कितने हो गए, 235। चलो खैर है, वाली मशीन में दिखा दो, खैर है यार, मतलब मैं ये चेंज करते हुए दिखा रहा हूँ, 234 हो गया। क्या तारीख है, 16 जून 2022, 234 पॉइंट, हेलो फिर जीरो कर दिया, मेरे तरफ से भी मुबारकबाद दे दो, दिखाओ लो, तुमने तो गिरा दिया। ये देखें भाई, डीजल के प्राइस भी कितने हो गए भाई, आज 263.70। ओए होए होए, 16 जून 2022, 263 समथिंग हो गया पेट्रोल, तो देख लें कहाँ जा रही है महंगाई। आपकी क्या तासरात है, पेट्रोल बढ़ा है, क्या मामला है, मतलब यार इतनी महंगाई हो रही है, डीजल महंगा हो रहा है, हम लोगों ने खुद महंगाई कर दिया, हम लोगों का माल खराब है। हाँ हाँ, कुछ सही नहीं है, अब तेरे बोलते इमरान खान सही नहीं है। अच्छा, ये हम लोगों का माल खराब है, इस वजह से महंगाई है। अच्छा, तो फिर ये आप यहाँ पेट्रोल पंप पे आप होते हैं इधर? हाँ, हम काम करते हैं पेट्रोल पंप। तो देखिए अब क्या तासरात है, मतलब लोग कम डलवा रहे हैं पेट्रोल, जब से रोडों पे पेट्रोल, मतलब पेट्रोल बढ़ा है, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लोग बहुत कम आ रहे होंगे फिर पेट्रोल डलवाने। चले यार, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, तो बात सारी इतनी सी हो रही है कि यहाँ लोगों की कुव्वत खरीद है नहीं है, इन्फ्लेशन होती है हर जगह होती है, मगर लोगों के पास बाइंग पावर भी तो हो, अब बात ये है यहाँ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होते जा रही है मगर बाइंग पावर लोगों के पास है नहीं। अब इसका एक ही हल है कि आप अपनी जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, क्या करें, चोरी डकैती करना शुरू कर दें, चोरी डकैती नहीं, हलाल तरीके से कमाना, आपको पता है कितना मुश्किल हो गया, मुश्किल है, मगर जो बंदा टैलेंटेड है, जिसको आगे बढ़ने की चाह है, वो बंदा कुछ ना कुछ करके, जो अगर उसको वो चीज़ आती भी नहीं है तो वो सीख सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँ जी, ये टैलेंटेड है इस तरह के, अगर ये छिछोरे बने के व्लॉग डाल दें, आपका क्या ख्याल है, चलना चलेंगे? देखिए बात पता क्या है, क्या ये चलने चाहिए, ये हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं? देखिए कुरम भाई, बात सही है कि आप पॉजिटिव कंटेंट डालेंगे ना, देखिए तो बात अच्छी है, अब आप किसी को एक अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं ना, तो लोग पसंद करते हैं वो चीज़, ठीक है। आजकल की जनरेशन जो है वो ऑब्वियसली टोटली आउट हो गई है, ठीक है। टिकटॉक, मैं टिकटॉक को फॉलो नहीं करता, ठीक है। आप किसी ब्रांड का नाम, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कंटेंट अच्छा हो ना, चाहे वो किसी भी फोरम के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव मैसेज है। खैर बहुत हो गई, बहुत लंबी कर दी इन्होंने, बड़ी माजरत, हम पीने आए थे चाय, आपको हमने चाय की मेकिंग दिखाई, और दूसरी चीज़ ये है
कि हमने कोशिश की थी कि आपके साथ वो चीज़ शेयर करें जो आम आदमी के पहुंच के अंदर हो। तो यहाँ पर हम इस होटल पर आए और हमने यहाँ की चाय पी, लेकिन चाय अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और असद भाई से हमने बहुत सारा तबसरा किया, असद भाई से बहुत सारी बातें की, और बीच में बस जाहिर सी बात है हर किसी को इफ़ेक्ट होता है, मतलब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ओवरऑल जो है ना हर चीज़ के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है और बड़े मसाइल हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो हम भी दुखी बैठे हुए थे, चाय पीने आए थे, लेकिन हमने रस्ते में ये देख लिया 12 बजे अजीब मामलात हो गए, तो असद भाई भी बड़े दुखी हो गए। आपको आज इतने चार्ज्ड अप और बूस्ट अप नहीं नज़र आ रहे होंगे, मतलब बेचारा मेरा भाई जो है ना वो बहुत दुखी है। क्या असद भाई दुखी हैं आप? लेकिन दुखी मैं नहीं, दुखी हर इंसान है, दुखी आप भी हैं, सब हैं। यार आप इतनी लंबी क्यों करते हैं, आप वीडियो को ख़त्म करें। देखिए वीडियो को ख़त्म मैं कर दूंगा, बात यह है कि एक जो मैसेज मैं कन्वे करने चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को या आप, बात यह है कि आप हिम्मत ना हारें, ठीक है, और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, ठीक है, वक्त लगेगा मगर बेहतर होंगे इंशाल्लाह। आपने घबराना नहीं है? देखें घबराना तो वैसे भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, घबराना तो आपको वैसे भी नहीं है। अच्छा। बस आप अब हिम्मत ना हारें और जो आपके गोल्स हैं उससे फोकस रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया असद भाई। तो आज जो है हमने यहाँ चाय का कवर किया और साथ साथ ये पेट्रोल और डीज़ल की चीज़ें आ गई, तो कोशिश है कि हमने कहा आपके साथ ये शेयर करें। तो आज का जो है यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के इसी तरीके के नोटिफिकेशन, डिस्कशन, वीलॉग्स, फूड वीलॉग्स सारे मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।